न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन ने माल्यार्पण करके किया नवागत मंडलायुक्त का स्वागत। मंडलायुक्त ने कहा कि अगर नियत सही होगी तो जरूर होगी बरकत। जनपद में बनाए गए 151 गेहूं क्रय केंद्र, समर्थन मूल्य 1860 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान बेच सकते हैं अपनी फसल। डीएम ने दी जानकारी, कहा ना पड़े बिचौलियों के चक्कर में, सीधे बेचिए अपना गेहूं। न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति ने किया नवागत मंडलायुक्त का स्वागत। 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए कुलपति ने मतदाताओं से की अपील, कहा नव राष्ट्र निर्माण में दे अपना सहयोग, देश के सुनहरे भविष्य के लिए अवश्य करें मतदान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुआ सम्मान समारोह कार्यक्रम, संगीत एवं कला के परम विद्वान पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य को किया गया सम्मानित। अखिल भारतीय इलेक्ट्रो होम्योपैथ परिषद ने इलेक्ट्रो होम्योपैथ के आविष्कारक डॉक्टर काउंट सीजर मैटिक के 123वें पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बसलूकी के विरोध में प्रतिमंडल ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमएससी फिजिक्स के सेकंड ईयर के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई, प्रस्तुत हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर त्रिलोकीनाथ यादव को कार्यकर्ताओं ने दी बधाई, कहा सभी वर्ग के लोगों से वोट के लिए करेंगे अपील। शत प्रतिशत मतदान के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट अभियान का किया आह्वान, सभी 13 लोकसभाओं में घोषित हुए लोकसभा संयोजक। सहायक अध्यापिका के नेतृत्व में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, कहा पहले मतदान फिर जलपान। हिंदू नववर्ष पर संस्कार भारती करेगा विविध कार्यक्रमों का आयोजन, संस्था की महानगर अध्यक्ष रीता श्रीवास्तव ने दी जानकारी। और मलेशियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर वापस आई धाविका जोशिका पाल का हुआ सम्मान, कहा मेहनत कर एशियन गेम्स जीतने का है लक्ष्य।